हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। अगर आपको अब्रॉड में स्टडी करनी है तो आपको कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये वीडियो जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा कि आप एक फ्री यूनिवर्सिटी में जो है वो अपनी सीट को ऑक्यूपाइड कर सको। हाँ, आपने सही सुना, तो जर्मनी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ज़ीरो ट्यूशन फीस पर वर्क करता है। तो आज मैं आपको गाइड करूँगी स्टेप बाय स्टेप कि अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कैसे यहाँ पर आ सकते हो फॉर द फ्री एजुकेशन। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट थिंग्स यू शुड नो इन एडवांस इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन जर्मनी। पहली चीज, मेकिंग योर माइंड कि आपको स्टडी करना है बाहर कहीं पर एंड वाई जर्मनी। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फीस जो होती है वो ज़ीरो होती है। इसका ये मतलब है कि आप लोग जो हैं बहुत कम पैसों में यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्रिक्स होंगे जो वीडियो के एंड तक आपको पता चलेंगे, जिसमें आप एक्चुअली 100% तक जो है वो अपना मनी सेव करोगे और बिल्कुल कोई भी मनी स्पेंड करे यहाँ पर आप स्टडी फ्री कर लोगे। द बेस्ट थिंग इज़ वाई जर्मनी, उसके बारे में मैं एक चीज़ बता देती हूँ। तो क्योंकि अगर आप जर्मनी में स्टडी करोगे तो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट होगा और इंटरनेशनल स्टूडेंट एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत ही ऑसम होता है। द अदर थिंग इज एजुकेशन क्वालिटी जो है वो टॉप में से एक मानी जाती है यहाँ पर। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में कही जाती हैं, तो ऑफकोर्स वो भी एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड देन आफ्टर स्टडी जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बिकॉज यहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी एज ए इंटर्न की भी और एज ए जॉब की भी। आपने अपना मन बना लिया है फर्स्ट पॉइंट से कि हाँ आपको जर्मनी के लिए पढ़ाई करने के लिए आना है, तो सेकंड चीज़ जो आपके दिमाग में होगी वो ये होगी कि कितना खर्चा होगा और आप अपने फाइनेंसेस जो है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज योर फाइनेंसेस इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे पहली बात कि कितना एक्सपेंस लगेगा। 10 लाख रुपीज़ का जो है वो आपका एक्सपेंसेस होगा, जो कि आप यहाँ पर रहोगे और जो रहने के एक्सपेंसेस होंगे प्लस सेमेस्टर फीस होगी वो एक्सपेंसेस होंगे, वो भी आप पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू निकाल सकते हैं। और मेरे पास एक हैक है जो मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताऊंगी। अब आपने अपना माइंड बना लिया है, आपने ये भी फिगर आउट कर लिया है कि ठीक है इतना एक्सपेंस तो मैं बियर आउट कर सकता हूँ, तो तीसरी चीज़ आती है कि कौन से कोर्सेज और आपको क्या कोर्स करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ अबाउट लर्निंग लैंग्वेज लाइक जर्मन लैंग्वेज। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हैं तो बहुत सारे कोर्सेज, बट बहुत सारे स्पेसिफिक कोर्सेज जो होते हैं वो ओनली इन जर्मन होते हैं, लाइक जर्मन लैंग्वेज में होते हैं। तो अगर आप पहले से पहले कर लेते हैं जर्मन लैंग्वेज, तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होगी जर्मन यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए वो बहुत सारी होगी। बट डोंट वरी, बिकॉज इंग्लिश कोर्सेज भी बहुत सारे होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो कि मैं आपको बताऊँगी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको लैंग्वेज लर्न करनी है तो गोथे इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हैं इंडिया में, प्लस बहुत सारे ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं उससे कर सकते हैं, और मैंने जैसे किया आप वैसे भी कर सकते हैं। लाइक जर्मन जो मूवीज़ होती है उसमें सबटाइटल नीचे आता है, उसको देख के भी आप थोड़ी बहुत जर्मन तो सीख ही सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है, चूज़ योर कोर्स, कि आपको अपना जो कोर्स है या यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स आप चूज़ कर रहे हैं बैचलर के लिए या मास्टर्स के लिए, वो कैसे चूज़ करें। तो वेबसाइट लिंक जो है वो डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप कोर्सेज देखेंगे और उसमें आपको ट्यूशन फीस भी दिखेगी कि ट्यूशन फीस कितनी है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फीस नहीं होती, तो ऑफकोर्स आपको वहाँ पर ट्यूशन फीस जो होगी वो ज़ीरो दिखेगी, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस कुछ होती है थोड़ी बहुत, तो वो आपको वहाँ पर दिख जाएगी। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगी, यहाँ पर एक स्टेट है जो कि है वाडेन-वर्टेम्बर्ग, उसकी जो फीस है वो मैंडेटरी है। अगर आप फर्स्ट डिग्री लेते हैं तो 1500 यूरोस और सेकेंड डिग्री पे 650 यूरोस पर सेमेस्टर, तो वो एक्सपेंसिव हो सकता है अगर आप वाडेन-वर्टेम्बर्ग में पढ़ाई करते हैं। बट उसके अलावा और बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टिल
जीरो ट्यूशन फीस पे वर्क करती हैं. नाउ द अदर पॉइंट इज थिंग्स यू शुड नो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर जर्मन यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यहाँ की प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट है. कैसे, कहाँ, मोटिवेशन लेटर जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्यों यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं. जितना ज़्यादा इफेक्टिव आपका मोटिवेशन लेटर होगा, CV होगा, उतना ज़्यादा आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ आने के लिए. देन ऑफकोर्स बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, जो आप देख लो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो सभी लोगों के पास होते हैं अगर आप यहाँ पर स्टडी करने आना चाहते हैं तो. अब जब ये जो चेकलिस्ट है इसके हिसाब से आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसमें अप्लाई कर दिया, तो कुछ टाइम बाद आपको इनविटेशन लेटर आ जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड, राइट. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है जर्मन स्टूडेंट वीज़ा. सो जर्मन स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो आपको ज़रूरी होता है बिफोर अप्लाइंग फॉर स्टूडेंट वीज़ा. तो अदर देन दैट कि आपको यूनिवर्सिटी से जो इनविटेशन लेटर होगा वो इम्पॉर्टेंट होता है, इसके अलावा अगर आपने पहले से कोई डिग्री ली होगी, डिग्री रिकॉग्निशन, वो इम्पॉर्टेंट होता है. स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, वो इम्पॉर्टेंट होता है. और ऑफकोर्स पासपोर्ट, और भी कुछ चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप आप dat.de वेबसाइट पर देख सकते. ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट दो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. एक होता है ब्लॉक्ड अकाउंट और एक होता है ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस. सबसे पहले मैं आती हूँ ब्लॉक्ड अकाउंट. ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए ब्लॉक्ड अकाउंट क्या होता है. और जो मैंने इनिशियली आपको बोला था कि 10 लाख रुपए जो है वो आपके एक्सपेंसेस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो कैसे होगा, तो मैं आपको बताती हूँ. ब्लॉक्ड अकाउंट जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का अकाउंट होता है, जर्मन ब्लॉक अकाउंट कहलाते हैं, जिसमें जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं वो अराउंड 11,200 यूरोज जो हैं वो ब्लॉक्ड करके रखते हैं. और वो जब यहाँ पर आ जाते हैं वो मनी जो है वो यूज़ करते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए. तो जो वो ब्लॉक्ड अमाउंट होता है अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए, आप वो लिमिटेड अमाउंट जो है वो जो भी आपका मंथली खर्चा है वो निकाल सकते हैं. बट वो एक बार जब आप यहाँ पर आ सकते हैं आप तभी यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है टू फाइंड आउट बेस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर जो कि सिक्योर भी हो और सीमलेस भी हो. तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए और उन्हें इजी हो जाए, जो माय जर्मन यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर है, जिसमें दे मेंशन दैट फिनटिवा इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर. सो दे हैव जर्मन पार्टनर बैंक, वेरी सीमलेस एंड सिक्योर. एंड राइट नाउ द गुड न्यूज़ इज ऑफर इज गोइंग ऑन, जिसमें आप 184 यूरोस तक जो है वो सेव कर सकते हैं. तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स जो हैं वो जर्मनी में स्टडी करने आ रहे हैं तो आप ये वीडियो जो है उनसे शेयर कर सकते हो, और जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वो यूज़ करके आप ये डिस्काउंट्स जो है वो ले सकते हो. आप ये पर्टिकुलर कोड यूज़ करके 184 यूरो तक बचा सकते हो. इसमें आपको 89 यूरो का जो है वो कैशबैक मिलेगा और 95 यूरो का ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो एकदम फ्री मिलेगा. ये ऑफर जो है वो सिर्फ 31st ऑफ अक्टूबर तक है. सो हरी अप इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर ब्लॉक्ड अकाउंट विद वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर एज पर माय जर्मन यूनिवर्सिटी. तो स्टूडेंट वीज़ा जो है वो सॉर्ट हो गया. उसके बाद एक चीज़ आ जाती है, आपने जो ये ब्लॉक्ड अकाउंट कराया है अराउंड 10 लाख का, 11,200 कुछ यूरोस का, अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी आती है टू मैनेज योर फाइनेंसेस और आपको लगता है ये अमाउंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, स्टिल देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू. बिकॉज जर्मनी में बहुत सारी ऐसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है. मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील बनाई थी जिसमें फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बताया था. वो लिंक जो है वो मैं आपके लिए पेस्ट कर देती हूँ. जस्ट यूज that link for the guidelines if you want to apply for 100% fully funded scholarship. तो जो आपके monthly expenses होंगे वो आप उस scholarship से दे सकते हैं. तो that means अगर आपको scholarship मिल जाती है तो आप free में यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हो. अब आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अप्लाई किया, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि आपको एकोमोडेशन जो है वो एडवांस में ही करना पड़ेगा. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सिटीज़ होती हैं जिसमें बहुत डिफ़िकल्टी आती है टू फाइंड अ परफेक्ट एकोमोडेशन फॉर यू. या तो आप अपनी स्टूडेंट सर्विस से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की, या आप वेगे में अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर डॉर्मेट्रीज जो होती है वो सबसे चीफ फॉर्म होती है रहने के लिए. लिंक ऑफकोर्स डिस्क्रिप्शन पे है, जो कि मैंने रील बनाया था हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन, प्लस कौन से प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो एडवांस में बुकिंग अकोमोडेशन के लिए.
इसके बाद कुछ नहीं है, अगर आपने ये सब चीज़ कर ली तो दैट मीन्स यू आर कमिंग टू जर्मनी। आपने फ़्लाइट भी टिकट कर ली, आपका स्टूडेंट वीज़ा भी हो गया। आप जब जर्मनी आओगे तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा सब कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, जैसे यूरोप ट्रैवल करना, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ रहना। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस भी होंगे, स्ट्रगल्स होंगे, जैसे कि ट्रेन टिकट लेना जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचोगे, उसके अलावा जो रेसिडेंट लेना है आपका लोकल रेसिडेंट, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आपका जो है माथा जो है वो पक जाएगा। तो स्ट्रगल्स भी होंगे प्लस बहुत ही ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ होगी, तो दोनों के लिए आप रेडी हो जाओ अगर आप यहाँ पर आ रहे हो और आपने जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है वो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती है फिर भी मेरे पास एक ऑप्शन है जिससे आपके जो एक्सपेंसेस है या आपने जो अमाउंट ब्लॉक किया है उससे भी आप मनी सेव कर सकते हो, वो है पार्ट टाइम जॉब्स या स्टूडेंट्स जॉब्स जो होती हैं वो यहाँ पर आते से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर मुझे नीचे कमेंट में इंटरेस्टेड 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 आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि आप कैसे जैसे ही यहाँ पर आते हैं पार्ट टाइम जॉब जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, किस कंपनीज़ के साथ कर सकते हैं, उसमें आपको कितना जो है पर आर का पेमेंट मिलेगा, वो सारी बातें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इफ़ यू आर इंटरेस्टेड बात करेंगे। बाकी वीडियो एंड करते हैं, ये थी गाइड। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने भाई बहन से भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी अगर आप ये वीडियो उनसे शेयर करोगे। अगर आप ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए कोई प्रोवाइडर देख रहे हैं तो Fintiba इज देयर बिकॉज ऑफर इज गोइंग ऑन, दिस इज द राइट टाइम जब आप उनकी सर्विस ले सकते हैं। बाकी होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम लोग रिप्लाई करेंगे। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज छोड़ सकते हैं, हमारा ब्रॉडकास्टिंग चैनल है उस पे भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। और अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो एक लिंक है नीचे, उस पे भी आप बुकिंग कर सकते हैं, तो वी कैन हेल्प यू। स्पेशल केस है अगर आपका और आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऑल द डिटेल्स इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय।